हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। स्वागत स्वागत है है आपका आपका आपके आपके अपने अपने YouTube YouTube चैनल चैनल नागियाज नागियाज लर्निंग लर्निंग अड्डा अड्डा पर। पर। जैसे जैसे कि कि आपको आपको पता पता है, है, संस्कृत संस्कृत एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की की जो जो है है फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड ग्रेड और और सेकंड सेकंड ग्रेड ग्रेड की की भर्ती भर्ती आ आ चुकी चुकी है है आरपीएससी आरपीएससी के के लिए। लिए। तो तो इसलिए इसलिए अपन अपन ये ये क्लास क्लास शुरू शुरू करेंगे। करेंगे। जो जो लोग लोग इंग्लिश इंग्लिश फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड ग्रेड या या सेकंड सेकंड ग्रेड ग्रेड की की तैयारी तैयारी कर कर रहे रहे हैं, हैं, उनको उनको मेरे मेरे इस इस चैनल चैनल पर पर पूरे पूरे कोर्स कोर्स को को निःशुल्क निःशुल्क कराया कराया जाएगा। जाएगा। तो तो ग्रामर ग्रामर भी भी क्लास क्लास चलेगी, चलेगी, यहाँ यहाँ पर पर टीचिंग टीचिंग मेथड मेथड की की भी भी बात बात होगी होगी और और लिटरेचर लिटरेचर की की भी भी बात बात होगी। होगी। फिलहाल फिलहाल आज आज की की ये ये क्लास क्लास जो जो है है वो वो सेकंड सेकंड ग्रेड ग्रेड के के पर्पस पर्पस से से है, है, और और जो जो इसमें इसमें हमारा हमारा पार्ट पार्ट है है टीचिंग टीचिंग मेथड मेथड वाला, वाला, सबसे सबसे पहले पहले हम हम उसको उसको कवर कवर करने करने वाले वाले हैं। हैं। तो तो आज आज की की इस इस क्लास क्लास ये ये हमारी हमारी फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास है, है, और और आज आज ही ही हम हम टीचिंग टीचिंग मेथड मेथड को को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और और ये ये टीचिंग टीचिंग मेथड मेथड आपको आपको आने आने वाले वाले रीट रीट भर्ती भर्ती परीक्षा परीक्षा के के लिए लिए भी भी उपयोगी उपयोगी साबित साबित होगा। होगा। तो तो चलिए चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं ज़्यादा, ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि अपना अपना मोटो मोटो है है कि कि ओनली ओनली क्लास क्लास नो नो बकवास। बकवास। तो तो उसी उसी मोटो मोटो पे पे चलते चलते हुए हुए अपन अपन क्लास क्लास को को स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। तो तो आज आज की की इस इस क्लास क्लास में में हम हम पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं हैं मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश। मेथड मेथड ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश की की बात बात इस इस क्लास क्लास में में हम हम लोग लोग दोस्तों दोस्तों करेंगे। करेंगे। और और मैंने मैंने आपके आपके लिए लिए कुछ कुछ नोट्स नोट्स प्रिपेयर प्रिपेयर किए किए हैं, हैं, और और उन्हीं उन्हीं नोट्स नोट्स के के पीडीएफ पीडीएफ से से मैं मैं आपको आपको ये ये पूरी पूरी बात बात यहाँ यहाँ पर पर बताने बताने वाला वाला हूँ, हूँ, और और बहुत बहुत ही ही अच्छे अच्छे तरीके तरीके से से समझाने समझाने की की मैं मैं पूरी पूरी कोशिश कोशिश करूँगा। करूँगा। फिर फिर भी भी कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें आपको आपको समझ समझ में में नहीं नहीं आती आती हैं, हैं, तो तो आप आप कमेंट कमेंट जरूर जरूर करें। करें। और और जैसे जैसे ही ही टॉपिक टॉपिक खत्म खत्म होगा, होगा, हमारी हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ये ये रहेगी, रहेगी, जैसे जैसे ही ही कोई कोई टॉपिक टॉपिक खत्म खत्म होगा, होगा, उस उस टॉपिक टॉपिक के के आरपीएससी आरपीएससी में में उस उस संबंधित संबंधित परीक्षा परीक्षा से से कब 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 कौन 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 से से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे पूछे गए गए हैं, हैं, बाकायदा बाकायदा उन उन पेपर पेपर को को डाउनलोड डाउनलोड करके, करके, डाउनलोड डाउनलोड करके करके उन उन पेपर्स पेपर्स को को आरपीएससी आरपीएससी की की साइड साइड से से मैं मैं आपको आपको प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी कराऊंगा। कराऊंगा। जैसे जैसे मैं मैं ये ये कहना कहना चाहता चाहता हूँ हूँ कि कि जैसे जैसे टीचिंग, टीचिंग, ये ये मेथड मेथड ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश हम हम लोग लोग पढ़ पढ़ रहे रहे हैं, हैं, जैसे जैसे ही ही टॉपिक टॉपिक कंप्लीट कंप्लीट होगा होगा तो तो मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश से से कौन 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 से से आरपीएससी आरपीएससी ने ने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे पूछे हैं, हैं, अब अब तक तक उन उन सभी सभी क्वेश्चंस क्वेश्चंस को को ईयर ईयर वाइज वाइज हम हम लोग लोग करेंगे। करेंगे। तो तो मैं मैं स्टार्ट स्टार्ट करता करता हूँ हूँ क्लास क्लास को को मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश। दोस्तों, दोस्तों, जैसा जैसा कि कि आपको आपको सामने सामने यहाँ यहाँ पर पर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है है कि कि मेथड मेथड एवं एवं अप्रोच अप्रोच दो दो चीजें चीजें होती होती हैं। हैं। एक एक होता होता है है मेथड मेथड और और एक एक होता होता है है अप्रोच। अप्रोच। इन इन दोनों दोनों बातों बातों में में फर्क फर्क है। है। क्या क्या फर्क फर्क है है कि कि एक एक अप्रोच अप्रोच में में अनेक अनेक मेथड मेथड आ आ सकते सकते हैं? हैं? मतलब मतलब अप्रोच अप्रोच जो जो है है ना, ना, वो वो मेथड मेथड से से बहुत बहुत बड़ा बड़ा होता होता है। है। एक एक अप्रोच अप्रोच में में बहुत बहुत सारे सारे मेथड मेथड आ आ सकते सकते हैं, हैं, और और मेथड मेथड जिसको जिसको अपन अपन इंग्लिश इंग्लिश में में कहते कहते हैं हैं ना, ना, हिंदी हिंदी में में कहते कहते हैं हैं शिक्षण शिक्षण कला कला और और कौशल, कौशल, जिसको जिसको शिक्षण शिक्षण कला कला एवं एवं कौशल कौशल, हिंदी हिंदी में में ये ये कहते कहते हैं, हैं, शिक्षण शिक्षण कला कला एवं एवं कौशल। कौशल। तो तो ये ये शिक्षण शिक्षण कला कला और और कौशल कौशल या या इंग्लिश इंग्लिश में में इसके इसके लिए लिए हम हम एक एक वर्ड वर्ड को को यूज यूज कर कर सकते सकते हैं, हैं, स्किल्स ऑफ टीचिंग, स्किल्स ऑफ टीचिंग जो स्किल्स ऑफ होती टीचिंग्स हैं, जो होती हैं, जो जो पढ़ाने पढ़ाने की की कलाएं कलाएं हैं, हैं, पढ़ाने पढ़ाने का का जो जो तरीका तरीका है, है, उसी उसी को को हम हम मेथड मेथड ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश कहते कहते हैं। हैं। मान मान लो लो कि कि आप आप अपने अपने आप आप अपने अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से से गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मेडलिस्ट हो, हो, बट बट आपको आपको पढ़ाने पढ़ाने का का तरीका तरीका नहीं नहीं है। है। इसका इसका मतलब मतलब आपको आपको पढ़ाने पढ़ाने की की स्किल्स स्किल्स नहीं नहीं पता, पता, आपको आपको पढ़ाने पढ़ाने के के तरीके तरीके नहीं नहीं पता, पता, मेथड्स मेथड्स नहीं नहीं पता। पता। तो तो ये ये मेथड्स मेथड्स जो जो हैं हैं वो वो प्रत्येक प्रत्येक टीचर टीचर को को अपने अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट से से रिलेटेड रिलेटेड आने आने चाहिए। चाहिए। ये ये हिंदी हिंदी में में हम हम इसके इसके लिए लिए आम आम भाषा भाषा पे पे एक एक शब्द शब्द यूज यूज करें करें तो तो शिक्षण शिक्षण कला कला और और कौशल कौशल इसको इसको कह कह सकते सकते हैं, हैं, यही यही टॉपिक टॉपिक मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश इंग्लिश के के अंदर अंदर हम हम पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। और और एज एज ए ए शिक्षक, शिक्षक, एज एज ए ए टीचर, टीचर, आपको आपको जो जो है है मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग अपने अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट का का मेथड मेथड पता पता होना होना चाहिए, चाहिए, ताकि ताकि आप आप आसान आसान से से आसान आसान शब्दों शब्दों में, में, आसान आसान से से आसान आसान तरीके तरीके से से अपने अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में किसी किसी भी भी अपने अपने स्टूडेंट स्टूडेंट को को परफेक्ट परफेक्ट कर कर सकें। सकें। तो तो ये ये टॉपिक टॉपिक यही यही है है मेथड्स मेथड्स ऑफ ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश। लेकिन लेकिन मेथड मेथड और और अप्रोच अप्रोच में में अंतर अंतर होता होता है। है।
अप्रोच है एंड अप्रोच इज एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, मतलब स्वयं से सिद्ध किए गए कुछ सिद्धांतों के आधार पर जो होती है वो अप्रोच होती है। इसके लिए स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ को हम एक शब्द से एक्सियोमेटिक भी कह सकते हैं कि जो अप्रोच होती है ना वो एक्सियोमेटिक होती है। और इससे रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड भी सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अप्रोच जो है वो क्या है? अप्रोच बॉर्डर टर्म है मेथड से, और अप्रोच जो है एक्सियोमेटिक होती है। एक्सियोमेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी कि स्वयं से सिद्ध किए गए कुछ सिद्धांतों के आधार पर जो होती है एक अप्रोच होती है। आगे हम बात करें तो विद वन अप्रोच देयर कैन बी मेनी मेथड्स, एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड आ सकते हैं, हमारी ये लाइन ये कह रही है। अच्छा, ये बात तो हुई किसकी? ये बात हुई अप्रोच की, कि अप्रोच जो होती है वो बॉर्डर टर्म होती है मेथड का, और ये एक्सियोमेटिक होती है, और एक अप्रोच में जो है बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें तो मेथड क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेथड, ये यहाँ पर पड़ा है मेथड। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज। अगर मेथड की डेफिनेशन पूछी जाए कि मेथड की डेफिनेशन क्या है, तो ये एक ओवरऑल प्लान है। किसका प्लान है? प्रॉपरली ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज। किसी भी भाषा को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक ओवरऑल प्लान बनाते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, उसी प्लान के तहत आप अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, भाषा को आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम दोस्तों मेथड कहते हैं। विच इज बेस्ड अपॉन द सेलेक्टेड अप्रोच, कि एक सेलेक्टेड अप्रोच के आधार पर इसको हम पढ़ाते हैं, बनाते हैं, और उसी के द्वारा हम जो है अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। या आप एक ही शब्द में ये देख सकते हैं कि ओवरऑल प्लान, एक ओवरऑल प्लान जो है आपके अपने सब्जेक्ट का, और उसी प्लान के तहत आप चलते हो, तो वही आपका मेथड है, वही आपका तरीका है। फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि वर्गीकरण करते हैं मेथड का। तो द मेथड यूज टू टीच इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इन टू, इंग्लिश में जो अपने मेथड हैं वो दो हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड? एक तो ओल्ड मेथड हैं और एक न्यू मेथड हैं। अपने जो ओल्ड मेथड हैं, अपने इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें, तो ओल्ड मेथड में हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये ओल्ड मेथड हैं। और जो न्यू मेथड आए हैं वो कौन से हैं? डॉक्टर वेस न्यू मेथड और सबस्टिट्यूशनल मेथड और एक बाइलिंगुअल मेथड। ये तीन जो है ये न्यू मेथड हैं, और जो ओल्ड मेथड हैं ये दो हैं। आज की इस क्लास में हम जो कवर करेंगे मेथड, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज की क्लास हमारी जो क्लास 01, आज की जो क्लास है हमारी 01, हम इसमें ओल्ड मेथड को कवर करने वाले हैं, और ओल्ड मेथड में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कवर करेंगे। बाकी ये सारे पांचों के पांचों मेथड अपने को पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इन दो मेथड पे करना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। लेकिन अपन पढ़ेंगे ये सारे। बाइलिंगुअल मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबस्टिट्यूशनल मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो क्या होता है दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? लेकिन उससे पहले अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। जैसे मेथड तो हमने देख लिया कि ओल्ड मेथड होते हैं और न्यू मेथड होते हैं, ऐसे अप्रोच भी दो होती हैं। एक तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, एक सिचुएशनल अप्रोच होती है। और आपको फिर बता दूं कि मेथड जो होता है वो छोटा है तुलनात्मक रूप से किससे? अप्रोच से। अप्रोच क्या होती है? बड़ी। एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे मेथड के पांच टाइप हैं, मुख्य रूप से तो दो ही टाइप हैं, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। और ओल्ड मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, न्यू मेथड में डॉक्टर वेस्ट का मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। अप्रोच दो होती हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है। इसके बाद आगे क्या? आगे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेथड की। सबसे पहले हम जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड,
तो इतना बड़ा ठीक है आपको दिख रहा होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में यहाँ पर हम कुछ पहले महत्वपूर्ण चीजों को जान रहे हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पर अपन पहले जान लेते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो दिस मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड। इस मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये प्राचीन मेथड है और प्राचीन है इसलिए हम इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। और फिर दूसरा है इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, ओल्डेस्ट मेथड एंड केम इंडिया विद द ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें गुलाम किया था, भारत को गुलाम किया था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने जिस समय यहाँ भारत पर राज किया था उसी समय ये मेथड वो लेके आए थे, इसलिए ये ओल्डेस्ट मेथड है। और भारत में किसके साथ आया था? ब्रिटिशर्स के माध्यम से आया था, और इस मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। फिर आगे कहता है कि दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस, कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है इस मेथड का, बट हैज टू फिलोसफिकल बेसिस, लेकिन दो दार्शनिक आधार जरूर हैं इसके, कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है लेकिन दो दार्शनिक आधार हैं। और वो दो दार्शनिक आधार क्या हैं? पहला तो ये है कि ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न्ड थ्रू ट्रांसलेशन। पहला दार्शनिक आधार ये कहता है कि किसी भी विदेशी भाषा को सीखना है तो वो ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखी जाती है, अर्थात जो है अनुवाद के माध्यम से सीखी जाती है। और दूसरा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की आत्मा जो है ना वो उस भाषा की ग्रामर मानी जाती है। तो ये जो लाइनें जो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये जो नोट्स बनाए हैं ये आप ही के लिए बनाए हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी किताबों से चुन चुन कर ये लाइनें आपके लिए मैंने लिखी हैं। प्रत्येक लाइन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएं इन सारे, हालांकि कुछ इस तरह का ही मटेरियल इकट्ठा किया है कि आपको कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि आप सिर्फ इन लाइनों को ही फोकस करेंगे ना। बाइलिंगुअल भाषा में मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं इसमें शामिल है। तो एक एक शब्द को जो है ना किसी अच्छी अच्छी सी किताबों से ढूंढ कर लिखा है, बहुत मेहनत की है, तो आप इस मेहनत का फल जरूर प्राप्त करेंगे। मेहनत मैंने की है, फल आप प्राप्त करेंगे अगर आप एकदम पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर अपने बात की कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है, इसका क्लासिकल मेथड नाम है, और ये ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे प्राचीन मेथड है, इसीलिए तो इसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। भारत में ब्रिटिशर्स के साथ आया था, इसके कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है लेकिन दो दार्शनिक आधार हैं, और दो दार्शनिक आधार क्या हैं कि ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न्ड थ्रू ट्रांसलेशन, कि किसी भी विदेशी भाषा को ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखा जा सकता है, और ग्रामर जो होती है ना वो किसी भी भाषा की सोल होती है, अर्थात आत्मा होती है। अब इस मेथड में हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या है, टीचिंग का प्रोसीजर क्या है, अर्थात पढ़ाने की प्रक्रिया क्या है। देखो एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों का कम्बिनेशन है, अगर आपका मीडियम पहले हिंदी मीडियम भी रहा हुआ है ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ाने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर पहली लाइन है हमारी, इन दिस मेथड द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। टेक्स्ट बुक जो होती है ना वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है, सेकेंड ग्रेड में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, रीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें टेक्स्ट बुक जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और फिर यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मेथड की, तीन विशेषताएं कह सकते हो आप इस मेथड की। पहला है यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, बिल्कुल यहाँ से भी रीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, सेकेंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है इसी लाइन से। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यहाँ पर है दोस्तों यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ पर वर्ड है, शब्द जो है वो यहाँ पर शिक्षण की इकाई है। मदर टंग डोमिनेट्स, दूसरी विशेषता क्या है, यहाँ पर जो है मदर टंग डोमिनेट्स होनी चाहिए, मतलब मदर टंग पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये मेथड कहता है कि आपकी मदर टंग से ही आप किसी दूसरी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हो। तो मदर टंग का यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्थान है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, और जो ग्रामर के रूल होते हैं वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं यहाँ पर।
तो ये है प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की प्रक्रिया। कि यहाँ पर दो तीन बातें निकल कर सामने आती हैं कि एक तो टेक्स्ट बुक जो है उसका इम्पोर्टेंट स्थान है, और यहाँ पर जो टीचिंग की यूनिट है वो वर्ड है, मदर लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग जो होती है वो डोमिनेट्स होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, और रूल्स जो हैं वो टीचर के द्वारा बताए जाते हैं। अब इसके आते हैं प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के सिद्धांत क्या हैं। तो यहाँ पर ये कोई इतना वाला ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वाट, ये दो दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था, एक शिक्षाविद थे, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एंड वाट दिस मेथड हैज थ्री प्रिंसिपल। वॉट और थॉमसन ने इस मेथड के यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तीन मुख्य सिद्धांत बताए हैं। पहला है ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी क्या होता है, वाक्य रचना या शब्द विन्यास। ये ट्रांसलेशन जो है वो फॉरेन फ्रेजियोलॉजी की बात करता है, शब्द विन्यास की बात करता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब किसी का एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, द फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज एसिमिलेटेड, यानी कि जो फॉरेन की जो मतलब शब्द विन्यास है, जो वाक्य रचना है, फ्रेजियोलॉजी है जो विदेशी भाषा की, उसको इसमें एसिमिलेटेड किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ये भी इसका सिद्धांत है, मतलब ये बता रहे हैं कि ये थॉमसन और वॉट बता रहे हैं कि इस मेथड के पीछे क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं जो इसके सिद्धांत बन गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न्ड व्हेन कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद दैट ऑफ द मदर टंग। और यहाँ पर अपने ऊपर बात कर ही चुके थे कि मदर टंग डोमिनेट्स होनी चाहिए, और ये सिद्धांत भी कहता है कि किसी भी फॉरेन भाषा को सीखने के लिए जो है मदर टंग यहाँ पर सशक्त होनी चाहिए। ये तीन सिद्धांत जो हैं ये इसके लिए खास इंपोर्टेंस नहीं है इनकी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इनको ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ इंपोर्टेंट जरूर है कि इस मेथड की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसकी, इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। फिलहाल यहाँ पर विशेषताएं देखो, पहली विशेषता तो ये है कि क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। क्लासों में जो है इस मेथड के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है ना, मदर टंग की हेल्प ली जाती है और थोड़ा सा यूज लिया जाता है टारगेट लैंग्वेज का, जो भाषा हम सिखाना चाह रहे हैं ना, जो विदेशी भाषा सिखाना चाह रहे हैं उसका जो है टारगेट लैंग्वेज उसको कहेंगे, उसका थोड़ा सा कम यूज किया जाता है, मदर टंग का ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाना है, अगर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश भाषा, लेकिन मैं हिंदी शब्दों का यूज कर रहा हूँ, हिंदी भाषा का यूज कर रहा हूँ, आपकी मदर टंग या मेरी मदर टंग की भाषा में बात कर रहा हूँ, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही है। और फिर दूसरा जो विशेषता है, मच वोकैबुलरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। आइसोलेटेड मतलब सिंगल वर्ड जो होते हैं उनके माध्यम से बहुत ज्यादा वोकैबुलरी शब्दावली पढ़ाई जाती है। और तीसरा है, द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। टेक्स्ट बुक का महत्वपूर्ण स्थान होता है इस मेथड में। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टोट विद द हेल्प ऑफ सेपरेट बुक ऑफ ग्रामर। और जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो एक सेपरेट बुक होती है ग्रामर की, उसके माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। दिस मेथड ले स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे कि अपने को पता है कि लैंग्वेज के चार आस्पेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एल एस आर डब्ल्यू बोलते हैं इनको, एल एस आर डब्ल्यू। एल का अर्थ होता है लिसनिंग, एस का अर्थ होता है स्पीकिंग, आर का होता है रीडिंग, और डब्ल्यू का अर्थ होता है राइटिंग। तो यहाँ पर जो है इस मेथड की ये कमी कह सकते हैं अपने, इस मेथड की ये कमी है कि ये सिर्फ स्ट्रेस करता है किस पर, रीडिंग और राइटिंग पर, इन दो पर, रीडिंग और राइटिंग पर स्ट्रेस करता है और लिसनिंग और स्पीकिंग को अवॉइड करता है। चार आस्पेक्ट हैं एल एस आर डब्ल्यू। मैं तो इसको ऐसे याद कर सकता हूँ, करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है लाल सिंह, मैं उसको बोलता हूँ लाल सिंह राजस्थान वाला, लाल सिंह राजस्थान वाला, एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। अब ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ना, स्ट्रेस करता है सिर्फ दो आस्पेक्ट पर, एक तो रीडिंग पर और एक राइटिंग पर, ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर नहीं देता है, यही इसका एक ड्रॉबैक है। आगे हम जब डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लाइन आएगी। और फिर कहता है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम
mother tongue into English and from English into mother tongue is given to student for practice. Student को practice के लिए translation दिया जाता है, उनकी mother tongue से English में translation करने के लिए कहा जाता है और English से mother tongue में translation करने के लिए कहा जाता है। ये इस method की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं इस मेथड के मेरिट, इस मेथड के लाभ क्या हैं, इस मेथड के लाभ की बात करते हैं कि या इस मेथड के फायदे क्या हैं, लाभ या फायदे। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इट इज ए इकोनॉमिकल बिकॉज इट सेव्स टाइम। ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि इससे थोड़ा समय बचता है, क्योंकि मदर टंग के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो समय बचता है, ये इसका एक लाभ है। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज इट सेव्स टाइम। और दूसरा, इट इनहेंसेस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, और ये स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली को बढ़ाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है इट हेल्प्स इन हैविंग बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग। जो शब्द हैं उनके उनके अर्थ को समझने के लिए ये जो है हेल्प करता है बच्चे की ये मेथड। और देयर आर नो चांस ऑफ वेगनेस, वेगनेस मतलब किसी एरर की बात कर रहा है, किसी गलती की। देयर आर नो चांस ऑफ वेगनेस बिकॉज द मीनिंग आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। गलती होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि जो शब्द है उसके अर्थ को उसके अर्थ को समझाने के लिए बच्चे की मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इसलिए कोई गलती होने की संभावना नहीं है। पांचवा इसका जो लाभ है, इसका जो फायदा है वो ये है कि दिस मेथड ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फॉरेन फ्रेजेस फ्रेजियोलॉजी एंड मदर टंग। कि ये मेथड जो है ना वो एक संबंध बनाता है, एक तकड़ा बॉन्ड बनाता है फॉरेन फ्रेजियोलॉजी और जो मदर टंग है उसके बीच। मतलब विदेशी भाषा, जो भाषा हम सीखना चाहते हैं, इट मीन्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हिंदी हमारी पहले आती है हमें, तो इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का काम भी ये मेथड करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, दिस मेथड फुलफिल्स वन इम्पोर्टेंट मैक्सिम। एक अच्छी कहावत को ये मेथड पूरा करता है, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। कि ये ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन का मतलब ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को ज्ञात क्या है, मान लो कि बच्चे को पता है कि किताब किताब होती है और आपने उसको बता दिया कि किताब को हम बुक कहते हैं। बच्चे को पता है कि लड़का लड़का है और आपने उसको बता दिया कि लड़के को बॉय कहते हैं या लड़की को गर्ल कहते हैं। तो लड़का शब्द वो जानता था, बॉय उसको आपने सिखाया, ये लड़का नोन है और फिर आपने बॉय सिखाया, ये उसके लिए अननोन था। किताब वर्ड उसको पता था लेकिन आपने सिखा दिया कि ये बुक होती है। एप्पल माने सेब होता है, तो सेब तो बच्चा ज्ञात था, सेब किससे तो बच्चा परिचित था, लेकिन आपने उसको बता दिया कि सेब एप्पल होता है। इस तरह से ये मेथड नोन टू अननोन की बात करता है, ज्ञात से अज्ञात की बात करता है। फिर सातवां पॉइंट है, इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी का एक सही नॉलेज देता है मेथड। इट एक्सप्लेन्स ग्रामेटिकल रूल्स, और इस मेथड में ग्रामेटिकल रूल्स बताए जाते हैं। टीचर फाउंड दिस मेथड कन्वीनियंट। टीचर जो होते हैं वो इस मेथड को बहुत ही सुविधाजनक मानते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट नीड एनी मटेरियल एड्स। क्योंकि इसमें कोई सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह मेथड टीचर के लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट माना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसके देखें, नौवां पॉइंट। नौवां पॉइंट क्या है कि इट डेवलप्स द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर जो है अनुवाद करने की क्षमता विकसित होती है। इट आल्सो सपोर्ट्स दैट ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। और ये मेथड कहता है कि ग्रामर जो है वो किसी भी भाषा की आत्मा होती है। इट हेल्प्स टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता को बढ़ाता है, उसकी उसका टेस्ट भी हो सकता है कि जैसे पैसेज वगैरह होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, उनके माध्यम से इस मेथड के माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन को भी बढ़ाया जा सकता है। और इन दिस मेथड टीचर कैन आस्क स्टूडेंट टू आंसर इन मदर टंग। इस मेथड में टीचर जो है बच्चों से उनकी मातृभाषा में भी प्रश्न पूछ सकता है, ये भी इसका एक फायदा है।
दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर द प्राइमरी क्लासेस. ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं वहां पर इस मेथड की बहुत ही अधिक उपयोगिता होती है. और फिर है दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एवरी सिचुएशन, प्रत्येक स्थिति में इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं. फिर है दिस मेथड कैन बी इजिली यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं वहां पर भी हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ये भी इसका एक मेरिट है. दिस मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग, और ये मेथड जो है बच्चे को सहायता करता है किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए अपनी मातृभाषा की सहायता से सीखने में ये मेथड मदद करता है. बाय दिस मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर्स कैन ईजिली बी टोट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर ऑफ द नेटिव लैंग्वेज. इस मेथड के माध्यम से ग्रामर के रूल्स जो हैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से आसानी से सीखे जाते हैं. और 18वां पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड टीच हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय एक्सप्लेनिंग. 18वां पॉइंट को यहाँ देखते हैं अपन. दिस मेथड टीच हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, ये मेथड सिखाता है कि करेक्ट इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, और बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट, पहले ग्रामर के रूल पढ़ाए जाते हैं उसके बाद इंग्लिश करेक्ट कैसे लिखी जाती है ये इस मेथड से ही बताया जाता है. बाय दिस मेथड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी मेड क्लियर टू द स्टूडेंट्स बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा को ही कहा जाता है, मदर टंग को ही कहा जाता है. इस मेथड में जो है शब्दों के जो मीनिंग होते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस और वाक्य कैन बी मेड क्लियर, उनको स्पष्ट किया जाता है कैसे स्टूडेंट के द्वारा बाय ट्रांसलेटिंग देम इन नेटिव लैंग्वेज, उनकी अपनी मातृभाषा में उनका ट्रांसलेशन करके इनके इन शब्दों के और इन वाक्यों को जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से. 20वां पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन, और इस मेथड के माध्यम से जो है अनुवाद करना बच्चा अच्छी तरह से सीख लेता है, अनुवाद करना बच्चा अच्छी तरह से जान लेता है. तो ये इस मेथड के क्या थे, मेरिट थे, फायदे थे. अब हम बात करते हैं कि इस मेथड के दोष क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं इस मेथड के, यहाँ पर हम डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं. तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और राइटिंग भी समझ में आ रही होगी, आपको साफ साफ लिखने की मैंने कोशिश की है तो राइटिंग भी समझ में आ रही होगी और ये मेथड भी समझ में आ रहा होगा. बहुत ही आसान है, टीचिंग मेथड का हवा बना रखा है कि टीचिंग मेथड ऐसा कुछ भी नहीं है. इन नोट्स को, इस वीडियो को एक बार आप फिर एकांत में बैठकर देखेंगे, सारी बातों को सुनेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो है रजिस्टर में नोट करेंगे तो ये मेथड क्लियर हो जाएगा. हाँ, और एक बात और कि इस क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसमें अपन इससे रिलेटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और उसी चैनल में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा. और जैसे ही जो टॉपिक ख़त्म होगा उसका वहाँ टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट को देने के लिए उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा. और किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. चलिए बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि इस मेथड के दोष क्या हैं. तो पहला दोस्तों ये है कि दिस मेथड डज नथिंग टू इन्हेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन लैंग्वेज, क्योंकि सारा दिन इस मेथड में मदर टंग की हेल्प ली जाती है. तो जो बच्चों में कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी विकसित करनी चाहिए ना, अंग्रेजी बोलने की क्षमता, वो विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा इसमें मदर टंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है. मदर टंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो बच्चा जो है स्पीकिंग, जो इंग्लिश स्पीकिंग अपन सिखाना चाहते हैं उस पर कमांड नहीं कर पाता है. दूसरा इसका ड्रॉबैक है या डीमेरिट्स क्या है, इट इज़ टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. ये स्पोकन लैंग्वेज को तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि इस मेथड में मदर टंग का, वही ऊपर वाली बात है कि मदर टंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो स्पोकन बच्चे की नहीं हो पाती है. फिर है इट लेस टू मच इन्हेंसिस ऑन फॉर्मल ग्रामर विच रिजल्ट्स इन डिसइंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज. सिर्फ फॉर्मल ग्रामर की यहाँ पर बात की जाती है, औपचारिक व्याकरण की बात की जाती है. इसका परिणाम ये होता है कि बच्चा जो है
डिसइंटरेस्ट हो जाता है। बच्चा जो है भाषा को सीखने में अरुचि दिखाता है, रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि सिर्फ औपचारिक ग्रामर के रूल उसको जब बताए जाते हैं बार बार, तो बच्चा उससे बोरिंग महसूस करता है, बोर महसूस करता है, तो बच्चा फिर इस लैंग्वेज में ग्रामर के इन रूल्स के माध्यम से सीखने में रुचि नहीं लेता, तो ये इसका डीमेरिट है। चौथा है, द स्टूडेंट थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट देयर थॉट इन टू इंग्लिश सो दे डोंट लर्न फॉरेन लैंग्वेज। अब ये क्या बोल रहा है कि बच्चा पहले किस में सोचता है, पहले अपनी हिंदी भाषा में सोचता है, अपनी मदर टंग में सोचता है। अगर उसको बोला जाए ना कि भाई बोल आई एम ए टीचर या मैं एक शिक्षक हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो पहले वो दिमाग में सोचता है यार मैं मतलब आई एक मन वन और शिक्षक यानी टीचर आई वन टीचर, ऐसे कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करता है दिमाग में। तो ये जो है ना इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट्स है। पहली लाइन ये हमारी फोर्थ लाइन यही कह रही है कि द स्टूडेंट थिंक फर्स्ट इन मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट देयर थॉट इन टू इंग्लिश। पहले मदर टंग में सोचता है दिमाग में, फिर उसको ट्रांसलेशन करने की सोचता है, तो इससे जो है वो अंग्रेजी प्रॉपर रूप से नहीं सीख पाता है। और पांचवा पॉइंट है, इन दिस मेथड टीचर टीच रूल्स ऑफ ग्रामर। टीचर जो है ग्रामर के रूल्स पढ़ाता है पहले एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स, और भाषा बाद में सिखाता है। दिस इज साइकोलॉजिकल अनसाउंड, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। पहले ग्रामर के रूल बता रहा है फिर उसको बोलना सिखा रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है, इससे बच्चा नहीं सीख पाएगा। और इन दिस मेथड लेस टू स्ट्रेसेस ऑन रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सो दैट अ स्किल ऑफ, जैसे ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग, चार एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज के, इसमें सिर्फ दो पर ही स्ट्रेस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। तो इसके पांच बिंदु हो गए। और फिर है, इट इज ए टीचर डोमिनेटेड मोनोटोनस प्रोग्राम फॉर द लर्नर। इसमें भैया सारा रोल किसका है, टीचर का। टीचर डोमिनेटेड मोनोटोनस है, मतलब इसमें टीचर ही सब कुछ है, बच्चे को सीखने को कुछ नहीं मिलता। टीचर इंग्लिश के ग्रामर के रूल बताता है, टीचर ही ट्रांसलेशन करके दिखाता है, तो सब कुछ इसमें टीचर है, बच्चे को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए बच्चा नहीं सीख पाता है। और फिर है, देयर आर सम वर्ड्स idioms एंड phrases इन इंग्लिश विच रिफ्लेक्ट द कल्चर ट्रेडिशनल एंड कस्टम ऑफ इंग्लिश पीपल। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं, डिक्शनरी खोल को देखोगे ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजों के कल्चर से, अंग्रेजों की परंपराओं से, अंग्रेजों के रीति रिवाजों से संबंधित हैं, और भारतीय डिक्शनरी में उन शब्दों का कोई महत्व है ही नहीं, लोग उनको जानते ही नहीं है, तो फिर ऐसे शब्द बच्चे के लिए बिल्कुल अनजान से प्रतीत होते हैं और बच्चा उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन भी नहीं कर पाता है। तो ये ऐसे है ना जो अंग्रेजों के कल्चर से, ट्रेडिशन से एंड कस्टम से रिलेटेड हैं, ऑफ इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेजों के, दे कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन मदर टंग, और उनका भारतीय भाषा में हमारी अपनी मदर टंग में उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। Only limited number of sentences can be taught by this method. इससे सिर्फ कुछ ही संख्या के, कुछ ही मात्रा में जो है ना sentences हैं उनको पढ़ा जा सकता है, ये भी इसका drawback है। सारी चीज़ें इसके इस method के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, last में पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर। अब नौवां पॉइंट क्या कहता है डीमेरिट्स में, कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज सम स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका भारतीय भाषा में कोई रूपांतरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि द। अब द को अपने हिंदी में क्या लिखें, है ना। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये द आ ही गया तो इसका भी पोस्टमार्टम यही करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर THE, कुछ लोग इसको बोलते हैं दी और कुछ लोग इसको बोलते हैं द और कुछ लोग इसको बोलते हैं द। मैं आपको बता दूं कि ये द तो होता ही नहीं है, ये या तो दी होता है या द। ये कैसे, कब दी कब होता है और द कब। अगर THE है और इसके बाद वोवल है, वोवल, तब तो आप इसको क्या बोलोगे, दी। जैसे पिक्चर खत्म होती है आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है दी और यहाँ पर END, एंड, है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, दी एंड, तब दी। और अगर THE और यहाँ पर लिखा है हीरो तो ये होता है द हीरो, तब इसको द बोलेंगे।
और ट्रांसलेशन स्टॉप्स स्टूडेंट फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली, और ट्रांसलेशन के माध्यम से बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाता है, ये भी इसका ड्रॉबैक है। दिस मेथड हेल्प्स इन बुकिश इंग्लिश, सिर्फ बुकिश इंग्लिश की बात करता है, प्रिवेंटिंग डेलिकेट एक्सप्रेशन, जो सूक्ष्म एक्सप्रेशन है ना उनको अवॉइड करता है। दिस मेथड गोज अपोजिट टू द मैक्सिमम फ्रॉम होल टू पार्ट, या पूर्ण से अंश की ओर का उल्टा है, इसलिए इस मेथड में सीखना आसान नहीं है। दिस मेथड नेगलेक्ट साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग को नेगलेक्ट करता है, मॉडल रीडिंग को नेगलेक्ट करता है, रैपिड रीडिंग को नेगलेक्ट करता है, इसलिए ये भी इसका ड्रॉबैक है। दिस मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश बाय रूल नॉट बाय यूज, सिर्फ रूल के माध्यम से इंग्लिश सीखने की बात होती है इस मेथड में, यूज के माध्यम से नहीं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। दिस मेथड इज डल एंड अनइंटरेस्टिंग, डल और अनइंटरेस्टिंग है ये मेथड बिकॉज स्टूडेंट बिकम ओनली पैसिव लिसनर, क्योंकि बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर बने रहते हैं, सारा काम टीचर का होता है। दोस्तों लैपटॉप की थोड़ी बैटरी डाउनलोड हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मैंने, और वैसे भी लास्ट पॉइंट है, वीडियो को खत्म करना होगा अभी। इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न्स रूल बाय क्रेमिंग, रटकर जो है रूल याद करते हैं स्टूडेंट, इसलिए भी ये मेथड का ड्रॉबैक है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे वाले मेथड पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम सारे मेथड को कंप्लीट करेंगे, और ये क्लास अब कंटिन्यू चलेगी आपके सेकेंड ग्रेड के लिए एक बार, और साथ ही साथ एक दूसरे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे।